Icon RD Burman, and he calls it RD Burmania, combining the name Burman and Mania. And on a personal rapport he had with Panchamda for how long? For 10 years. 1983 to 1990. Okay. So please meet fellow journalist Chaitanya Padukone. But before I do that, I would like to dedicate two lines to Panchamda. Mone pore rubi rai, mone pore rubi rai, kobitai tomake, ek din koto pore dekhechi. Aaj hai rubi rai, dekhe bolo amake, tomake kothai, janu dekhechi. Meri bhigi bhigi si. Hi Chaitanya. Hi. Welcome. How are you? Yeah, I'm great, and it's an honor to be on Gehna Ka Kehna. It is my pleasure completely. This book looks lovely. Tell us a little about this. Yeah, this is my passionate tribute to the master, to the Badshah of Hindi film Sangeet, Panchamda, whose otherwise his actual name is Rahul Dev Burman, also known as RD. So this is my personal passionate tribute to him, because I grew up as his ardent fan. Then I got into journalism, and he was my journalism guru, because sabse pehle interview maine Panchamda ka RD Burman ka kiya tha. Really? Yeah. When was this? This was way back in 1983. Okay. और मजे की बात ये है कि जब मैं उनका इंटरव्यू लेने गया तो पंचमदा मुझे बोले कि आप तो मेरे बहुत अर्डेंट फैन हो, तो मेरा इंटरव्यू क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे कि आप मेरे फैन हो तो मेरे गानों को सुनो, एंजॉय करो. व्हाई डू वांट टू इंटरव्यू मी? आई सेड दादा नो, आई एम अ जर्नलिस्ट, तो आपका मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा. तो ही सेड नो, अगर आप मेरे फैन के हैसियत से इंटरव्यू करना चाहोगे तो मुझे आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक यू नो समथिंग विच इज़ वेरी फ्लावरी एंड फ्लैटरी. व्हाई वाज़ ही अवर्स टू गिविंग इंटरव्यू? नो, ही डिड नॉट, अनलाइक मोस्ट पीपल इन द इन शोबिज, ही वाज़ अवर्स टू फ्लैटरी एंड फॉल्स प्रेज. उनको ये चाहिए था कि लोग बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म करें. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस आ जाओ एज अ हार्ड कोर क्रिटिक, एज अ हार्ड एंड क्रिटिक, तब जाके हम बात करेंगे. तो दोबारा गए, तब भी उन्होंने मना कर दिया. ही सेड कि इवन नाउ आई डोंट फील दैट यू हैव बिकम माय क्रिटिक, आई स्टिल फील यू आर माय क्रेजी फैन. तो बट देन एवरीबॉडी इज अ क्रेजी फैन ऑफ हिज, दैट इंक्लूड मी. करेक्ट. तो उन्होंने कहा कि नहीं, एज अ फैन आप मेरे इंटरव्यू कैसे करोगे? You will be biased in my favor, you will be partial. Right. So, main chahunga ki you should come back as a hardcore critic. So, tisri baar, mere liye wo tisri manzil thi, halaki, jo ki RD Burman ki bahut jaani mani. And one of the favorite songs are there, in there. So, ye mere liye tisri manzil thi, aur tab jab third time main gaya to maine kaha, dada, dekhiye, aapne mujhe ijazat di hai, to main utpatang aur thode
स्टिकी सवाल भी पूछूंगा. तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ आपसे. तो फिर जो हम आधे घंटे के लिए 20-25 मिनट के लिए हमने टाइम डिसाइड किया था, वो एक घंटे के ऊपर हमारी डिस्कशन हो गई और बातचीत जारी रही. मैंने उस जमाने में मिडडे न्यूज़पेपर के लिए ये इंटरव्यू किया था, और वो इसलिए किया था कि 25 साल बाद पंचम दा को, आर डी बर्मन को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जबकि उनको कई साल से इट वॉज इल्यूडिंग हिम, नहीं मिल रहा था. हर बार उनका नाम नॉमिनेशन में आता. या और यस, और आयरॉनिकली पंचम दा आर डी बर्मन इंटरव्यूज नहीं दे रहे थे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के लिए. उस जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया था नहीं, तो पेपर्स में वो न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, क्योंकि ही वॉज नॉट हैप्पी. वॉज नॉट एब्सोल्युटली हैप्पी कि उनको अवार्ड मिला. हालांकि हाँ, वो खुश थे कि इतने सालों बाद मुझे कुछ रिकग्निशन मिला. इसलिए उनकी उनको इतनी खुशी नहीं मिली. वो वजह ये है कि सनम तेरी कसम जिस फिल्म के लिए उनको अवार्ड मिला, उसमें एक भी क्लासिकल गाने का सिचुएशन नहीं था. बट उनका ये कहना था कि फॉर मी क्लासिकल म्यूजिक इज माय फोर्टे, और उसमें मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उस वजह से वो शायद बात नहीं करना चाहते. जब मैंने जिद पकड़ ली कि नहीं, आपको इंटरव्यू देना ही है, फिर तीसरी बार जब हम गए तो इंटरव्यू मिला. और वजह ये, in midday, at that time I was not a journalist, and who knew one day this day would happen. thank you so much. Thank you for coming. Thank you so much. So to come back to your journey before we come to Pancham Da, how did journalism happen? I was interested in journalism. Main college magazine ka editor tha. I was in Lala Lajpat Rai College. Wahan main editor tha, aur main articles Mumbai mein Haji Ali. Wahan par main editor tha, and I did a diploma course in journalism. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मैंने किया था. सो द इंटेंशन वाज टू बी इन दिस चेयर. हां, लेकिन आई गॉट अ वेरी गुड जॉब इन अ फाइनेंस कंपनी HDFC. या आई रेड दैट इन योर प्रोफाइल. या तो तब मुझे लगा कि अब जबकि मुझे HDFC में अच्छी खासी नौकरी मिल गई है, तो जर्नलिज्म कैन टेक अ बैक सीट. लेकिन मेरा एक मिशन था कि आई वॉन्टेड टू सिट एंड चैट फॉर अ लॉन्ग टाइम विद आर डी बर्मन, विद पंचम दा, जिसको मैं मेरी एक ख्वाहिश थी वो. तो हुआ ये कि ना मैं सिंगर हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ, ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं लिरिक्स राइटर हूँ, तो पंचम दा किस खुशी में मेरे साथ क्यों मिलेंगे? वो अपना वक्त ज़ाया क्यों करेंगे मेरे साथ? हाँ, मैक्सिमम 2-4 मिनट बैठेंगे, कंटिन्यूस क्यों बैठेंगे? तो तब मैंने सोचा कि जब मेरे पास कुदरत का और भगवान का दिया हुआ हुनर है कि आई एम अ जर्नलिस्ट, तो वाई डोंट आई टेक एडवांटेज ऑफ दैट. तो मैंने शुरुआत आर डी बर्मन के इंटरव्यू से की. अच्छा. हाँ, और मैंने सोचा था चलो इंटरव्यू होने के बाद अब तो मेरा मकसद पूरा हो गया. तो ये जब प्रिंट होके आ गया तो आई वॉज जस्ट स्किपिंग माई कूल. तो जब आर डी बर्मन का मुझे फ़ोन आया कि आपने बहुत कमाल कर दिया, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, और मुझे इतने सारे लोगों का दाद मिल गया, और उन्होंने तारीफ की और पूछा कि इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, तो मैंने कहा अभी तक कुछ सोचा नहीं था. तो पंचम दा वॉज द फर्स्ट टू टेल मी कि आप में ये बात है, यू आर केपेबल ऑफ बिकमिंग एन अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, आप इसको जारी रखो, आपके ये हुनर को छोड़ो मत. एंड जबकि मुझे कई साल बाद 2012 में दादा साहेब फाल्के का एकेडमी का अवार्ड मिला, मैंने पंचम दा को याद किया, और मैंने उस वक्त वो अवार्ड आर डी बर्मन के मेमोरी में डेडिकेट करके ये कहा, काश आज पंचम दा जिंदा होते तो वो अपने स्टाइल में गाते, ये तो होना ही था. ओके, सो हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ राइटिंग दिस बुक? अच्छा, ये था कि हर साल, अब इस साल भी ऐसे हो रहे हैं, रेडियो एफएम से फ़ोन आता है कि आप थोड़ी आर डी बर्मन के साथ आपके पर्सनल जो क्या एक्सपीरियंसेस, जो आपके आपका तजुर्बा है, आपके साथ मोमेंट्स आपने शेयर किए पार्टीज में, प्रीमियर्स में, रिकॉर्डिंग्स में, आपने जो देखा है उसको शेयर करो.
या मुझे इवेंट्स में बुलाया जाता था जहाँ कॉन्सर्ट्स होते थे, या आई हैड अ वेरी क्लोज रैपोर, तो मुझे हर साल बुलाया जाता था. और ये होता था कि बहुत बार फैंस ने मुझे ये कहा कि व्हाई डोंट यू राइट अ बुक, और यहाँ तक कि इवन पीपल लाइक ऋषि कपूर, रणधीर कपूर एंड जितेंद्र, यू नो सो मेनी ऑफ देम, दे सजेस्टेड दैट व्हाई डोंट यू राइट अ बुक, आप जबकि उनके क्लोज थे और यू हैव सो सच अ ह्यूज खजाना आपका, आपके यादों की बारात है, एन आर्काइव ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस. व्हाई डोंट यू डू दैट सो दैट ऑल हिज फैंस कैन गेट टू रीड अबाउट इट एंड इट विल बिकम अ परमानेंट डॉक्यूमेंट. दिस वाज व्हेन ही वाज नहीं अभी हाल रिसेंटली ये बुक मतलब सिर्फ सो ही हैड नो आईडिया दैट यू हैव दिस आईडिया टू राइट अ बुक. नो नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. हालांकि ही इज टू एनकरेज मी और भी कुछ करो, यू नो ही वर इज टू मी. पर ये किताब की बात, किताब की बात नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, बिकॉज़ इन हिज लास्ट इयर्स वो खुद एक नेगेटिव दौर से गुजर रहे थे ना, जहाँ पर पंचमदा वॉज कंसिडर्ड एंड ट्रीटेड लाइक अनवॉन्टेड इन द इंडस्ट्री, उनको बड़ा मतलब नेगेटिव दौर चला था. एक और वजह थी मैंने ये बुक लिखा कि मेरे जितने भी इंटरव्यूज मिलते पेपर में छप के आए उसमें से एक्सर्प्ट्स औरों के बुक्स में छप के आते थे विथ क्रेडिट टू मी. तो बहुत से लोग मुझे ये कहते थे देखिए आपका लिखा हुआ इसमें एक्सेप्ट आ गए हैं, आप खुद क्यों नहीं लिखते, क्योंकि बाकी जितने ऑथर्स हैं जिन्होंने कभी आर डी बर्मन को देखा नहीं या कभी मिले नहीं, दे आर राइटिंग बुक्स एंड दे आर कोटिंग यू, सो व्हाई नॉट यू डू इट, यू गिव इट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. तो तब जाके मैंने सोचा कि आई शुड यू नो गेट इन टू राइटिंग माई मेमोर्स विद पंचम. सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू क्रॉनिकल इट ऑल? एटलीस्ट 6 to 9 months, वेरी मतलब बहुत मेहनत. हाउ मच टाइम अ डे वुड यू डेडिकेट टू दिस? एटलीस्ट 3 to 4 hours, 3 to 4 hours. ओके. एंड काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी एंड अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जितने भी पब्लिशर्स थे उन्होंने कहा कि ऑलरेडी मार्केट में 3-4 books हैं आर डी बर्मन के ऊपर, दे वर नॉट रेडी टू टेक इट अप इमीडिएटली, दे सेड कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा एंड आई डिड नॉट हैव द पेशेंस. तो मैंने सेल्फ फाइनेंस करके साउथ में चेन्नई में रोशन पब्लिशर्स नाम के हैं उनके पास में गया एंड आई गॉट इट पब्लिश. इट वॉज अ एक्सपेंसिव प्रपोजिशन फॉर मी, बट वो कहते हैं ना कि वेन इट इज़ अ पैशन एंड यू नो समवन हु यू वर्शिप, यू नो इट इज प्राइसलेस. प्राइस डिडंट मैटर टू मी, एग्जैक्टली फॉर हिम इट वॉज माई ट्रिब्यूट. तो जब भी मैंने सोचा कि ये मेरे तरफ से एक जो होता है ना कि हम गुरु को दक्षिणा करते हैं, गुरु दक्षिणा, तो मेरे तरफ से ये गुरु दक्षिणा है. सो आई एम श्योर ही इज लिसनिंग एंड ब्लेसिंग यू राइट नाउ एंड आई कुड फील द वाइब्रेशंस ऑल द टाइम दैट देयर वाज सम फोर्स व्हिच वाज मेकिंग मी डू इट, यू नो हिज सोल एंड व्हाटएवर, यू नो आई मीन आई कुड फील द वाइब्रेशंस दैट इट वाज हैपनिंग एंड आई मीन ही वाज देयर बिहाइंड की गो अहेड आई एम देयर, मैं हूं ना, मैं हूं ना. And now that you see your labor of love right in front of you in your hands, how does it feel? No, I feel very proud ki, you know, finally this happened, you know. Yeah. I mean, it was like a dream come true when the first book, you know, it's like, you know, a mother delivers a baby. Absolutely. So it was, you know, a labor of love. It is a labor of love. Yeah, so I felt very exhilarated. I felt ecstatic. Ecstatic. Yeah, ecstatic. And, you know, on top of the world that, you know, this happened finally. So for our viewers, tell us his likes and dislikes. What was his favorite sport? His favorite sport was football. मतलब एक बार वो फुटबॉल गेम देखने को बैठ गए तो कोई उनको हटा नहीं सकते थे. ही वॉज एडिक्टेड टू वॉचिंग फुटबॉल. अच्छा, did he play also? No. He loved watching football. Okay. He played instruments. But okay. He loved watching football or he was very witty he and humorous. Yeah. I like that. He was very witty. मैंने उनको पूछा कि आपको फुटबॉल क्यों अच्छा लगता है, बोलते मैंने वॉच माई फेवरेट टीम विनिंग. तो
I get a kick out of it. Yeah. Kick ka matlab double meaning. Yeah. I get a kick out of it. Or three bar, it was like an inspiration for him to compose, come out with, you know, with the next set of music. Yeah, so ye unki khas baat, khas baat. He loved fast driving. He loved tikha food, you know, tikha. Spicy. Jitna tikha ho, aur bhi acha. You I remember you mentioning something about mirchi. Yeah. See, when I used to ask him that Panchamda, ye mirchi aur music ka kya connection hai? Because he used to grow chilies in his nursery, unke plants ka nursery tha building ke niche, to wahan grow karte the. To kehne lage ki mirchi aur music ka ek gehra rishta hai. जैसे हम चावल पकाने के बाद स्पाइस डालते हैं, उसी तरह से गाने में हम उसको गार्निश करते हैं विथ ऑल द फिलर्स, द इंटरल्यूड, द प्रील्यूड, और उसको वी मेक इट वेरी अट्रैक्टिव. तो विदाउट चिली जैसे खाना तीखा होता है, सो सेम वे म्यूजिक जो है विदाउट तीखा, मतलब स्पाइस गार्निशिंग, द अरेंजमेंट्स जिसको कहते हैं टेक्निकली, वो नहीं हो तो गाना तीखा हो जाए. सो ही वुड बी वेरी क्रिएटिव इन सिटिंग विद हिज फोर म्यूजिशियंस एंड डिसाइडिंग द अरेंजमेंट्स ऑल्सो, कि शुरू में क्या आएगा, इंटरव्यू में क्या आएगा, फिलर में क्या आएगा, ऑल. सो यू नो दैट वॉज हीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईच सॉन्ग. एंड उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि एवरी चार्ट बस्टर सॉन्ग ऑफ माइंड हैज the signature of my musicians and it has my autograph. Right. Oh, nice. Haan, you know, har matlab gaane mein ye khasiyat hai. Acha, what were his other likes and dislikes? What were his favorite colors? हमेशा वो रेड एंड व्हाइट प्रिफर करते हैं. देखिए तो आज हमने और ये देखिए हमारे दिल में बसे हुए हैं ये पंचमदा है. व्हाट अबाउट चिल्ड्रन? He is quoted to saying things like his music or his songs. You want to complete that? You know, मैंने एक बार उनको पूछा था when he was in a very jolly, jovial mood. पंचम दा, आपको कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि आपके अपने बच्चे होने चाहिए? He used to smoke that his favorite 555 cigarette. You know, तो उन्होंने ऐसे smoke किया. Or he just gave a, you know, kind of a in the air look and said, वैसे देखने जाए तो मेरे जितने भी हिट गाने हैं वो मेरे बच्चे जैसे हैं. They are like my children. All my chartbuster songs are my like my children. They will ensure that my legacy will continue for, you know, हमेशा के लिए. या एंड दे विल कीप माय मेमोरीज अलाइव इन द हार्ट्स ऑफ ऑल माय फैंस एंड म्यूजिक लवर्स. एंड आज अगर हम हर साल उनके एनिवर्सरीज मनाते हैं और उनके गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, रिमिक्स करते हैं, इट ओनली गोज टू प्रूव दैट. जैसे उनकी फिल्म थी अमर प्रेम, पंचम इज अमर, इमॉर्टल, ही विल ऑलवेज लिव इन आवर हार्ट्स एंड he's there for all time. I know. Tell me, who was his favorite singer? Who did he enjoy getting his songs sung by the most? One of his top favorite singers was Kishore Das. Yes. क्योंकि उनके साथ केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त थी. Correct. Because एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते थे कि you know he would just do a gesture and Kishore would know exactly what to do. Right. And there used to be a lot of ad libbing. Yeah. अच्छा, पंचमदा हमेशा मुझे कहते थे कि आई डू नॉट वॉन्ट अ ट्रेन्ड सिंगर. राइट. बड़ी अजीब बात है ना, जबकि पंचमदा हिमसेल्फ इज अ क्लासिकली ट्रेन्ड म्यूजिक डायरेक्टर. उन्होंने सरोद, तबला सब कुछ सीखा हुआ है बचपन में. आई डोंट वॉन्ट अ ट्रेन्ड सिंगर. एंड किशोर दा आप सब लोग जानते थे, ही वॉज अ बॉर्न जीनियस. उन्होंने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट वो मानते थे. एंड ही वुड मोल्ड इन द वे ही वॉन्टेड. एंड किशोर दा अपना इनोवेशन करते थे गाने में, अपना इम्प्रोवाइजेशन करते थे, योडलिंग करते थे, या फिर अजीब तरीके. अब देखो उनके जितने भी गाने में तो इस तरह के आवाज, उनका चिल्लाना, अभी बॉम्बे टू गोवा का गाना है, देखा ना आए, देखो कितनी अजीब किस्म की उन्होंने वॉइस निकाली है. जो पंचम दा यूज टू ओके
उनको एक बिकॉज वन जीनियस रिकॉग्नाइज अनदर एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो वो मतलब ये कह सकते हैं कि तो मैं का एक दूसरे के लिए बनाई जोड़ी थी हाँ हाँ तो ये उनका मतलब केमिस्ट्री उनकी जबरदस्ती फिर अफकोर्स लता भाई और लता दीदी और आशा भाई आई थिंक द ट्रायंगल ऑफ आरडी साहब किशोर दा एंड आशा भाई आई थिंक दीस थ्री का कॉम्बिनेशन दोबारा नहीं हो सकता That was all the songs that they have made was magical. Magical. And the magic is always going to be there for all times for to come. For all times to come. And you know, अच्छा और उनकी आपने idiosyncrasies के बारे में जिक्र की थी मेरे पास. Yeah. कई बार ये होता था कि he was little impatient by nature. जब समझो गरम चाय आती थी, तो वो गरम चाय की प्याली पकड़ते उनको तकलीफ होती थी. फौरन उसमें ठंडा पानी डाल के उसको नॉर्मल बना के पी अच्छा बट फॉर अ म्यूजिक डायरेक्टर इट इज अ वेरी और अ कंपोजर इट इज वेरी आयरोनिक दैट उनके पास पेशेंस नहीं है बिकॉज दिस जॉब इज ओनली दैट हां एट द सेम टाइम ये कॉन्ट्रडिक्टरी भी है कि देखो चेस खेलना पड़ता है हां अगेन समथिंग ऑफ पेशेंस या So there were two sides to it, है ना? हाँ मतलब वो impatient भी थी और patient भी थी because उनको chess खेलना बहुत पसंद था correct और chess में 90% of the time वो सामने वाले को checkmate करते really he was very good at chess जिसमें कि patience की ज़रूरत है okay so, great very nice so one last question before I let you go if you have to write a second book who would it be about I have many options One is, I was also fond of C. Ramachandran because like R.D. Burman, he was also a singer, very innovative and he's done you know, Shola Jo Badh Gaye and Hey Mere Watan Ke Logo, you know, brilliant, versatile composer like R.D. Yeah. Or maybe someone like Parveen Babi who was who is very enigmatic. Yes, yes. You so know? These would be your yeah, next Yeah, Parveen Babi or maybe C. Ramachandran from music. Okay, okay, great. You want to give this book to me officially? Yes, yes. On camera? Yes. This is a New Year, belated New Year gift so to Gehna. Thank you so much. And we will say this आज इस अवसर पर कि हम कहना चाहते हैं और आर डी बर्मन के गाने के जरिए हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं जी बिल्कुल तो कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो जिंदगी तो लाई जीवन में सबके प्यार प्यार लवली थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अच्छा वो सनसेट बस एक तुम हो